बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सेटलेटॉन रावलपिंडी के इंग्लिश डिपार्टमेंट की जानिब से प्रोफेसर फजल महमूद आपसे मुखातिब है। सेकेंड ईयर की बुक टू के चैप्टर नंबर 4 एंड ऑफ टर्म का लेक्चर नंबर 2 रिकॉर्ड किया जा रहा है और हम पैरा नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। Two months seemed a long, long time in those days indeed. दरअसल दरहकीकत दो महीने का वक्त उन दिनों बड़ा लंबा दिखाई देता था, महसूस होता था। I used to have the feeling that for all practical purposes, हाँ, मैं महसूस किया करता था या मुझे एहसास हुआ करता था कि तमाम अमली मकासद के लिए I could look forward to the period of permanent felicity. मैं इस दायमी मुसर्रत के दौर का जो है इंतजार करता था। I would walk home across the meadows in the July sunshine. मैं मौसम मैं जुलाई के महीने की चिलचिलाती चमकती धूप में wearing my summer school clothes of grey cricket shirt. हाँ, अपने मौसम गर्मा के स्कूल के कपड़ों में ग्रे क्रिकेट शर्ट के अंदर, ग्रे शॉर्ट्स, ग्रे निकर में एंड रेड विट्सन्स ब्लेजर और सुर्ख विट्सन ब्लेजर में मलबूस चरागाहों से गुजरता हुआ घर जाता था एंड सेवर माय हैप्पीनेस विद कॉन्शियस रिलिश और अपनी जो खुशी का शऊर था उससे लुत्फंदोज होता था, उसका मजा लेता था। आई कुड हार्डली बिलीव दैट थ्री स्ट्रेनस School times had indeed rolled away. हाँ, मुझे बमुश्किल ही यकीन आता था कि तीन मुश्किल दौरानिये गुजर चुके थे। And the longed for, dreamed of almost mythical summer holidays were at hand unspoiled. और ख्वाहिश करता ख्वाब देखता था कि मौसम गर्मा की छुट्टियाँ की तखयलाती मिथिकल तखयलाती छुट्टियाँ काबले दस्तरस सालम हालत में थी। As yet lying intact and promising just ahead. और जैसा कि ये आगे मौजूद और आने की यकीन दहानी करवाती थी। It all seemed too good to be true. ये इतना ये इतना अच्छा दिखाई देता था कि यकीन नहीं आता था। Wishes didn't come true in this life. In his life. ख्वाहिशात उसकी जिंदगी में पूरी नहीं हुई। I knew that all my early childhood I longed desperately for a tricycle. पूरी जिंदगी फिर पढ़िए बेटा। I knew that all my नहीं बेटा शुरू से पढ़िए दोबारा जुमला जी। Wishes didn't come true in his life. ख्वाहिशात उसकी जिंदगी में पूरी नहीं हुई। I knew that all my early childhood I longed desperately for a tricycle. मैं जानता था कि अपने सारे बचपन में मेरी ख्वाहिश थी तीन पहियों वाली साइकिल लेने की, which my parents could never afford. जिसे मेरे वालिदैन कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। And later the wish was transferred to a bicycle. और बाद में ये ख्वाहिश दो पहियों वाली साइकिल में तब्दील हो गई। And there too I was permanently disappointed. और वहाँ भी मैं दायमी तौर पर मायूस ही रहा, मायूस हुआ। I bought my first bicycle of myself when I was 21 with prize money. हाँ, मैंने पहली दो पहियों वाली साइकिल पहली मर्तबा उस वक्त ली जब मैं 21 बरस का था। I had one at जी at Edinburgh University. हाँ, उस जो है इनाम की रकम से with that prize money, वो उस इनाम की रकम से which I had won in Edinburgh University, जो कि मैंने एडिनबरा यूनिवर्सिटी में जीती थी रकम। How often had I stood outside sweet shops with empty pockets longing for a penny or two to materialize somehow? कितनी मर्तबा मैं मिठाइयों वाली दुकान के बाहर खाली जेब लिए इस ख्वाहिश के साथ कि कहीं से कोई एक या दो पैसे मिल जाए खड़ा रहा।
or hung on the outskirts of a crowd around an ice cream barrow, wondering whether the ice cream man would be miraculously inspired to offer me a cornet or a slider free. या फिर मैं जो है एक हजूम के किनारे आइसक्रीम की रेड़ी के पास खड़ा होता, ये सोचते हुए कि मौजजाती तौर पर आइसक्रीम वाला जो है वो उसे ख्याल आए और वो मुझे जो है कोन आइसक्रीम और या स्लाइडर दे दे. These things never happened. ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ. The few pence a week pocket money we receive was to be put into a money box and saved. और चंद पैनी चंद पैसे जो हमें मिलते थे जेब खर्च के तौर पर वो हम खर्च नहीं करते बल्कि गले में डाल देते थे. During our early childhood, अपने इब्तदाई बचपन के दौरान Lionel, Sylvia and I never had anything to spend for ourselves. हाँ, लाइनल सिल्विया और मेरे पास खर्च करने के लिए कभी कुछ नहीं होता था. Yet summer and the summer holidays did come. फिर भी मौसमी गर्मा और मौसमी गर्मा की तातीलात आती थी. The school year did come to an end. स्कूल का साल इख्तिताम पजीर होता था. And one did find oneself at last standing by the trunks and suitcases outside number 6 Millerfield Place. और एक आदमी जो है Millerfield 6 नंबर के पास अपने संदूकों के साथ जो है वो खड़ा होता था. Waiting for the taxi. टैक्सी का इंतजार करते हुए. Dad was to convey the family and its luggage to the railway station. जिसे घराने को और इसके सामान को रेलवे स्टेशन पहुंचाना होता था. To convey पहुंचाना. The writer belonged to a very poor family. His wishes could never come true. He desired for a tricycle which could not be provided to him. After that, even he could not buy the bicycle. When he was the student of university, he managed to purchase the first bicycle with his prize money. Only desire, one and only desire which got fulfilled, that was coming of summer holidays in which he used to enjoy very much. Answers. Questions. Question 1. What was the Deshi's attitude towards the weekend as a schoolboy? Deshi's. Deshi's ka kya attitude tha, kya ravaiya tha, andaze fikr tha uska, theek hai, holidays ke hawale se. Why did he long for it? Woh aur woh iski khwahish kyun karta tha? बेटा इसके आंसर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? जस्ट आप क्वेश्चंस में बता रहा हूँ, उसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए. क्वेश्चन 2. व्हाट वाज हिज जनरल व्यू ऑफ स्कूल लाइफ? स्कूल की जिंदगी के बारे में उसका बहैसियत मजमुई क्या नजरिया था, यानी वो स्कूल के बारे में किस किस्म के नजरियात रखता था, क्या सोचता था, क्या फीलिंग्स थी उसकी. क्वेश्चन 3. He liked holidays for their freedom. Freedom for what? From what? जी, ये देखिएगा बेटे, वो कहता है कि वो छुट्टियों को पसंद करता था आज़ादी के लिए. और किस चीज़ से आज़ादी के लिए वो छुट्टियों को पसंद किया करता था, यानी कौन सी ऐसी चीज़ थी जिससे वो थोड़ा सा बॉदर करता था, जिससे उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी, तो वो क्यों छुट्टियाँ चाहता था. क्वेश्चन 4. हाउ डिड ही स्पेंड हिज समर हॉलीडेज? जी, चौथा सवाल है कि वो अपनी मौसमी गर्मा की जो छुट्टियां थी उन्हें कैसे गुजार. क्वेश्चन नंबर 5. विशेस डोंट कम ट्रू इन हिज लाइफ, राइट्स डैशेस. जी, डैशेस लिखता है कि ख्वाहिशात इनको ख्वाहिशात उसकी जिंदगी में पूरी नहीं होती हैं. व्हाट आर द थिंग्स ही लॉन्ग्ड फॉर बट कुड नॉट हैव? हाँ, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वो ख्वाहिश करता था और जो उसे नहीं मिल सकी, जो उसे मुयसर नहीं आ सकी. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट डिड ही डू विद हिज पॉकेट मनी? जी, वो अपने जेब खर्च के साथ क्या करता था?